हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी आपकी दुआ से, अल्लाह के करम से, हम सब बहुत अच्छे हैं। और आज का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, ज़रा बारिश रुकी हुई है। और अभी हाँ, आज भी मेरा ऑफिस है। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? फिर तो हम लोग आज खाना तो बन गया है, आपके साथ शेयर करने वाले हैं मटन कीमे के शामी कबाब की रेसिपी। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाती है, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो प्लीज़ पूरे पूरे देखो। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं वीडियोस छोटे डालती हूँ, बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाती, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो फिर किचन में बनाते हैं शामी कबाब साथ में। आ गए हम लोग अभी किचन में। अब हम आपको बताते हैं कि शामी कबाब के लिए क्या क्या चाहिए। बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करना। चलो देखते हैं एक इंग्रेडिएंट्स पे नज़र मारेंगे क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हमें चाहिए शामी कबाब बनाने के लिए मटन कीमा 1 किलो। इसमें हमने थोड़ा सा गुड फैट लिया है ताकि इसमें कबाब अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स। और ये हमने ली है चना दाल, आप देख सकते हैं ये साइज़ है, और इतना हम इसको 3 घंटे भिगो के रखे हैं। और देखिए ये बन गई है, ये आपको सिर्फ क्वांटिटी दिखाने के लिए। ये देखिए हमारी धो के भिगो के 3 घंटे रखे हमने, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये ऐसी टूट रही है। और यहाँ पे लेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने ऑलरेडी इसमें 2 चम्मच दाल रखा है जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो अब इसमें हम सिर्फ 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डालेंगे। और यहाँ है हमारे कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, और ये है हमारे सूखे अखे खड़े गरम मसाले, जिसमें आप देख सकते हैं तेज पत्ता है, लौंग है, कबाब चीनी है, स्टार एनीस, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिरी इलायची, और ये ज़ीरा भी है, शाही ज़ीरा है। और यहाँ पे हमें चाहिए हल्दी, धनिया, ज़ीरा पाउडर, और धनिया पाउडर बोल दिए मम्मा हमने। ओके बेबी। फ्रेंड्स, आमिना है जो आप लोग को गाइड कर रही है आज के इसमें भी। और क्या है मम्मा? आमिना माँ बोलो क्या है वो? गरम मसाला बोलो। गरम मसाला, घर का पिसावा, घर का पिसावा गरम मसाला। हाँ, तो अब ये हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। और ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारा सॉल्ट टू टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हम सब बताएंगे कि हम कैसे डाल रहे हैं। चलो बिस्मिल्लाह बोल के हमने डाल दिया है हमारा कीमा। हमारी दाल, आमिना बेटे प्लीज ये नानी नवासी किचन है गाइस। बोलो ना आमिना, ये क्या? गरम मसाला का पिसा। अच्छा, मिक्स करूंगा मैं। हल्दी, हल्दी है ये, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून और ये हम इसमें डाल रहे हैं थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। देखिए इसमें कोथमीर, पुदीना, अच्छे से साफ धोके डालिए फ्रेंड्स। हरी मिर्ची भी है, हरी मिर्ची आप आपके टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अपने घर में छोटे बच्चे हैं ना, वो हिसाब से अपन कम डालते, सब कम मिर्ची खाते। सही, और ऐसी चीजें ना अगर कम मिर्ची वाली रही तो ज्यादा खाई जाती है फ्रेंड्स, तो मेन रीजन वो है कि अच्छे से खा सकते हम लोग। फिर अब हम ये लगा रहे हैं कुकर। नमक डाली था? नहीं डालेगा नमक। सॉल्ट टू टेस्ट, मिर्ची टू टेस्ट, आपके हिसाब से कुकर लगा। मम्मा इसमें पानी डालने वाले? 1/2 कप। गरम
से तो मम्मा हाथ के पास से बेटू नानी ने डाली हाथ का वाटर अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे फ्रेंड्स मिक्स ना खिलाना अच्छा स्टर करेंगे फ्रेंड्स मिक्स करेंगे कैमरा हिल रहा है तुम ऐसा हाथ पे इसमें हाथ दे तो थोड़ा सा इसका सॉफ्ट हुआ ना तो फिर हिलाने आता बेटा अच्छे से और तो अपन इसको ऐसे ही रखेंगे लगा देंगे नहीं लगाएंगे नहीं हाँ थोड़ा इसको ये होना अच्छा, अंदर ऐसे पूरा दबा तो हिलाने आएंगे अच्छा तो फिर ये अपने को कितनी सीटी लेना है मटन कीमा है ना तो इसको तीन चार काफी हो गए दाल भी गया ठीक है फ्रेंड्स तो आपसे मिलते हैं खीमा गलने के बाद तो फ्रेंड्स अभी हमने रख दिया है खीमा हमारा गलने के लिए मैं आ गई हूँ हमारी बालकनी में और मैं पी रही हूँ चाय आ जाइए आप लोग भी हो रही है हल्की हल्की बारिश मेरी चाय हो गई है ठंडी जैसी मैं पीती हूँ चलो आपको बताती हूँ मेरी बालकनी का व्यू ये देखिए मेरे छोटे दो प्लांट्स हैं प्लांट्स टेरेस पे और भी है फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से आपको पूरा हमने ऐसे बांध के रखा हुआ है पूरा ताकि लिजर्ड्स वगैरह ना आए क्योंकि जब सिर्फ ये था ना तो यहाँ से ना छोटे छोटे बैट्स भी कभी कभी आ जाते थे घर में रात के टाइम अगर हम लोग खुला रखते थे लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं अब सेफ़ है क्योंकि हमने ये छोटी सी जाली रख लगा दी है हम लोगों ने कैसे लग रहा है हल्की हल्की बारिश हो रही है मैं देख रही हूँ मर्दानी ये देखिए मूवी देख रही हूँ मैं प्राइम पे चलो तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ रेडी होने ये रहा मेरा टिफ़िन मैंने ली है चिकन ग्रेवी और बघारे हुए राइस बघारा चावल जिसको बोलते हैं और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने रेडी होके नमाज पढ़ेंगे और जाएंगे ऑफिस ये हमारा खीमा हो रहा है नरम गल रहा है वो ओके ये देखिए एक दो तीन सीटी ले लेंगे फ्रेंड्स और चेक कर लेंगे ये हो गया है या नहीं फ्रेंड्स बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश का सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि कपड़े नहीं सूखते स्पेशली बुरखे और फिर जब सूखते नहीं है तो इस्त्री करनी पड़ती है बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है फ्रेंड्स अभी मैं हूँ मेरी बालकनी में खड़ी हुई मैं कपड़े डाल रही थी सीधे से जो मेरी हाउस हेल्प धोकर गई थी तो वो सब डाल रही थी मैं रस्सी पे कपड़े चलो नहीं साइकिल अभी नहीं या अमिना फ्रेंड्स देखिए आप लोग आज मिले नहीं ना अमिना सलाम करो क्या बोल रहे तुम ये आमिना की साइकिल है फ्रेंड्स आमिना और नूर की साइकिल है फ्रेंड्स तो अभी बारिश है तो हमने इसको बालकनी में रख दिया है ऐसे देख सकते हैं आप हाँ हाँ जब बारिश नहीं रहेगी ना तब चलो ये हमारी बालकनी में सूख रहे हैं कपड़े ये देखो हमारी अम्मो वो कल लगाएंगे मशीन का काम कल है तो और फ्रेंड्स जो हमारा कीमा था वो हो गया है ठंडा अभी हम इसको पीसेंगे तो फ्रेंड्स पीसने के बाद हमारा कीमा कुछ इस तरीके से हो गया है आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है जो खड़ा मसाला है वो आप लोग साइड में निकाल सकते हैं फ्रेंड्स क्योंकि वो जो नहीं पिसा होगा ना ये वो है तो फ्रेंड्स देखिए अब हमने ऐसी टिक्की बनाई है और हम अब इनको कर रहे हैं फ्राई हमने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया है क्योंकि अब हम इसको तवे पे कर रहे हैं आप इसको अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं पर हमने बिना अंडे वाले करे हैं फ्राई और ये कुछ इस तरीके से हो रहे हैं देखिए तो हो गए हैं हमारे कबाब तैयार अब मैं ट्राई करके देखूंगी फ्रेंड्स नाइस बहुत अच्छे बने चलो फिर ज़रूर ट्राई करना बन गए ना जल्दी से यमी टेस्टी मुलायम शामी कबाब जिसके मुंह में दांत नहीं भी है वो भी खा सकते इतने अच्छे से बने हैं तो आप सब ध्यान से पूरा वीडियो देखना चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और प्लीज़ वीडियो पूरा देखना और ज़रूर से लाइक शेयर करना दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़